नचनिया बन गया, नाचने वाला बन गया, नाचो। नाचना एक कला होती है, उसको कला के तरीके से दिखाओ। मगर ये जो आजकल ऐसे ऐसे डांस चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ये कौन सी कला है? कभी तुम अगाड़ा दिखा रहे हो, कभी पिछवाड़ा दिखा रहे हो, भाई गलत है। डांस करो तो अच्छा करो। इसीलिए मैं गोविंदा का फैन हूँ भैया, मेरे गोविंदा के लिए तालियां मार दो। वो ठीक हो गया, हॉस्पिटल से बाहर आ गया, ये डाल देना, मेरा गोविंदा ठीक हो गया। वो कुछ रिवॉल्वर के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो ठीक हो गया। मैंने गोविंदा से सीखा, जब गोविंदा करता था डांस, देखो हो सकता है कि गोविंदा जी के थ्रू मेरे को आशीर्वाद लग जाए और मैं बिग बॉस में। हाँ, वो जब उनका स्टेप था ना, उनका बोला था जिसमें वो था क्या कहते हैं, अरे हाँ किसी डिस्को में, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम, वो बढ़िया डांस था। चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क, ये बढ़िया है। मगर ये जो आजकल ये वाला चल रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा, ये पता क्या है, ये छूटते गंदगी में आ गया। ये पिछवाड़ा और अगाड़ा ये बचा के रखो, ये बंद कमरे के लिए रखो, क्या बंद कमरे, ये लोगों के आगे अश्लीलता मत दिखाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं बिग बॉस, हेलो बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बोलने तो दो यार, सुन तो लेगा एक बार यार, बिग बॉस, दिल्ली का दीपक चाहते हैं कि अगर तुम्हारे में दम है तो प्लीज 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 हमें बुला के दिखाओ, हम तुम्हें बताएंगे। और सलमान भाई, तुमने कल एक बढ़िया काम करा है, जो तुमने अनुद्राचार्य का सम्मान करा है 2 घंटे बाद, और उनसे जो भगवत ली, तुमने दिखा दिया तुम खानदानी आदमी हो, तुमने दिखा दिया तुम खानदानी आदमी हो, और तुम धर्म के थे, धर्म के और धर्म के रहोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे खान से मतलब नहीं है, मुझे सम्मान से मतलब है। क्या बात है, सम्मान से मतलब। और जो खान भारत को सम्मान देगा, चाहे वो सऊदी का शेख हो, चाहे भारत का खान हो। हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें जो दीपक है वो बहुत ही ज्यादा, आप लोगों को तो पता ही होगा, वो बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहते हैं, और मतलब लोगों का जिस तरीके से धोना रहता है, मतलब सनातन धर्म के बहुत ही अच्छे जाने माने हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा उनके बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और लोगों को जो धोते हैं, मतलब कहने वाली बात नहीं है, हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। तो बिग बॉस के बारे में उनका क्या कहना है, चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोला है बिग बॉस के बारे में, जो बिग बॉस एक बार सुन लेना तो उनके कान खड़े हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। के लिए हम बैठे हैं, आप भी चाहते हैं बिग बॉस से ऑफर आए, जाना चाहेंगे? ऑफर क्या मतलब, मैं कोई हीरोइन हूँ कोई, मैं मॉडल हूँ, ऑफर क्या है? बिग बॉस में एक्चुअली जाने के लिए मना कोई नहीं करता है कि हाँ बिग बॉस में नहीं जाएंगे, जिसको बुलाए वो भी, जिसको नहीं बुलाए वो भी, एक बार कह तो जरूर देते हैं जाएंगे जरूर, लेकिन देखते हैं बिग बॉस वाले बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, और बुलाने के बाद क्या उनका रिएक्शन होता है। देखो बुलाने की हिम्मत हो तो, इनकी औकात हो तो मुझे बुलाएं। मैं तो जाके सबसे पहले कैमरे में पूछूंगा ये बिग बॉस कौन है, पहले इसको बाहर निकालो। ये पूरे दिन बोलता रहता है बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं। सुबह उठते ही वहां नचनिया वाले डांस होते हैं, आपका बच्चा क्या सीखेगा? अरे आप किसी भी धर्म के लिए वहां पर वो चलाओ, नहीं आप जाएंगे नहीं जाएंगे? देखो भाई साहब, अगर बुलाएंगे तो एक बार ट्राई कर आएंगे। कि बात आप लोग पता है, बिग बॉस का जो टॉयलेट है वो 4 लाख का है, मतलब 4 लाख में इंसान आज के टाइम में मिडिल क्लास लोग 2 कमरा बना ले, और यहाँ पे टॉयलेट ही 4 लाख का है। वो घर के अंदर होता क्या है, कौन नाचता है, कौन गाता है, शौचालय कैसा है? क्योंकि मैंने सुना केजरीवाल वाला शौचालय वहाँ भी लगा हुआ है, 4 लाख की लैटरिन लगी है बिग बॉस में, शीश महल वाली। हाँ भाई मैंने सुना है, एक बार देखूंगा तो सही वहाँ जाके क्या होता है, क्योंकि सुबह कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और रात को कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे बिग बॉस में प्यार करो। क्योंकि बाहर जाता है तो अलग बंदी लेके जाता है, बाहर जाता है अलग बंदी, बिग बॉस के अंदर जाता तो उसको अलग आ जाती है, तो बाहर वाली कहती है ये बड़ा कुत्ता और हरामजादा निकला, क्योंकि अंदर जाते ही वो बंदी चेंज कर देता है। कौन? बिग बॉस वाला, मतलब बिग बॉस वाला नहीं, बिग बॉस के अंदर जो कंटेस्टेंट जाता है, क्योंकि वहाँ अंदर में जाने के बाद ना उनको पता क्या है, वही गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, मैं बदल जाता है वो, फिर वो अंदर। सही में समझ में नहीं आती है, मतलब बिग बॉस में लोगों को ऐसा क्या मिलता है, हमारे आसपास ही इस तरीके से ड्रामा होता है, वही देख लिया करो यार, मतलब बिग बॉस में एक बिग बॉस हटता नहीं है कि मतलब दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहता है उन लोगों का घर, मतलब क्योंकि टीआरपी ही इतना ज़्यादा मिलता है लोगों को आजकल, लड़ने झगड़ने में बहुत मज़ा आता है, और दूसरों की लड़ाइयाँ देखने में आजकल लोगों को बहुत मज़ा आता है। पता नहीं ऐसे क्या है बिग बॉस में, मतलब इतनी टीआरपी, इतना टीआरपी बटोरता है कि कभी बिग जाके राजेश खन्ना बन जाता है। अरे अच्छा भला बाहर घूम रहा गर्लफ्रेंड लेके,
जिसको 3 साल से कह रहे हैं मैं कसमे वादे खा रहा हूँ, जिसको कह रहा है कसमे वादे निभाएंगे हम, बिग बॉस के अंदर जाता है एक हफ्ते बाद उसको उस लड़की से ला 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 वो चाय पीते पीते में एक प्यार हो जाता है बिग बॉस वाली को। अब वो बाहर वाली कहती है हराम जादे तेरे पे केस करूंगी मानसिक शोषण का। फिर कहता है बाबू सोना मैं तो सिर्फ बिग बॉस जीतने के लिए कर रहा था। अरे तू बाबू सोना बोल रहा है, वो 3 साल से 13 साल जब तू स्ट्रगल कर रहा था, भैया जोरदार ताली बजाओ स्ट्रगल करने वालों के लिए, जो 3 साल से स्ट्रगल कर रहा था वो अपने माँ बाप से लड़के ये इंतजार कर रही थी कि बिग बॉस में जाए आगे बढ़े और मेरा सोना बाबू स्टार बने। क्या सोना, अरे सोना बाबू तो किसी और का हो गया बिग बॉस में जाने के बाद। मूंगफलिया खा रहा किसी साथ में यार। तो मेरा कहने का मतलब है बिग बॉस के अंदर जाने के बाद लोगों के वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। हाँ ये गए 2 घंटे के लिए, अंदर नहीं गए भाई साहब। गए क्या करेंगे अगर आप जाते सबसे पहले क्या करें? मैं तो टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप चलाना शुरू कर दूंगा भाई साहब। मेरा तो सिस्टम ही अलग है भाई साहब। इधर दिखाओ चारों तरफ, पहले हम कहा इंटरव्यू दे रहे हैं, चारों तरफ दिखाओ, घूम जाओ गोल 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 रानी इतना इतना पानी घूम जाओ। अब एक बात बताओ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ वो जो कांग्रेस झाड़ू और जो विपक्ष वाले राम को और श्याम को गाली बकते हैं और अकेले वहाँ 4 दीवारी में खड़े होकर बोलते हैं, भड़वागिरी करते हैं। मैं यहाँ चौड़े होकर बोलता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है मेरे राम श्याम से और मेरे से तो आमने सामने की टक्कर ले ले, पीठ पीछे तो नहीं। एक तरफ तो आप बाइकआउट ट्रेंड चलाते हैं, बिग बॉस नहीं देखना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऊपर आए तो जाओ। मैंने बिग बॉस को बाइकआउट करा है। हां मां कसम, कब करा बाइकआउट? नहीं किया, नहीं किया, झूठ बोल रहे यार। तुम चाहते हो बिल्कुल जाए एक बार देखे, पहले पूछो, आप पूछो भाई साहब जाना चाहिए। ये रहा आज का वीडियो, आप लोग कैसा लगा प्लीज एक प्यास कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो देखते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, जाने खुश रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय बाय। बिग बॉस में देखकर कौन कौन बिग बॉस देखता है और बिग बॉस देखकर आप लोगों को क्या फील होता है प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो जैसे सुबह सुबह उठूंगा ना और वहां जाके चिल्लाऊंगा जय श्री राम, मां कसम कह रहा हूँ सलमान खान का फोन आ जाएगा, हाय दिस इज सलमान खान दीपक, यार 5 बज रहे यार, बिग बॉस कह रहा है सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो। मैं कहूंगा भाईजान एक काम करो, एक बार बजरंगी भाईजान की तरह तुम भी बोल दो यार, अब सुबह सुबह बुलवाएगा। हाँ पीछे से उनके पापा पता क्या कहेंगे, क्या नाम है उनके पापा का? सलीम खान, बढ़िया आदमी है। सलीम कहेगा यार ये दिल्ली का दीपक है, बोल दे ये सोने नहीं देगा। जैसे वो फिर कहेगा हाय दिस इज सलमान खान, जय श्री राम दिल्ली के दीपक, जय श्री राम, अब सो जा। फिर 2 घंटे बाद उठूंगा क्योंकि ये गाना बजाते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे, उसके बाद लड़की उठती है कहती देखा भाई बिग बॉस के बेड में क्या होता है, देखा है? आप लोग सुबह उठते हो तो नंगे गाने सुन के उठते हो भाई? कौन कौन उठता है? अरे रुक जाओ, ये मत बताओ कहाँ से हो, ये बताओ कौन कौन सुबह सुबह नंगे गाने सुन के उठता है, हाथ उठाओ। हम सुबह हनुमान चालीसा, हमारी माता बहने पूजा पाठ, गायत्री मंत्र वहाँ चलता है, घर में भजन आ उ आ उ आ उ आ उ, अरे उसके बाद मतलब वही गाना, वही वाला गाना। उसके बाद अगर किसी की जाके रजाई खोल के देखो तो ये बोलो अरे सन्नो तू तो इस बेड पे लेटी थी रात को, तू ये रजाई के अंदर कैसे निकली? तो फिर वो पता क्या कहती है, वो ओ ओ देखता।